कंपनी में व्यवसाय प्रबंधक के रूप में काम कर रहे युवा युवराज जयपाल ने ट्रैकिंग के तहत 8 दिनों में 3000 से अधिक की दूरी तय करते हुए लगभग 16,580 फीट पर स्थित शक्तिशाली शिंकुला दर्रे सहित दो अन्य पहाड़ी दर्रों पर विजय प्राप्त की है। ट्रैकिंग के दौरान ही जयपाल ने लद्दाख के क्षेत्र में सबसे कठिन इलाकों में से एक जांसकर घाटी को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। शाहपुरा मोहल्ला निवासी युवराज जयपाल वर्तमान में नोएडा में रहते हैं और मोटरबाइक फोटोग्राफी और रोमांच की सवारी करना उसकी पहली पसंद है। अपने ट्रैकिंग के शौक को पूरा करने के लिए निकला युवराज द्रंग ड्रग ग्लेशियर और जास्कर के पवित्र पर्वत गोम्बो रंगजोन से भी होकर गुजरा। बताया जा रहा है कि युवराज लद्दाख के हिमालयी क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी जास्कर में सुदूर लुंगनाक घाटी में स्थित एक बौद्ध मठ फुकताल मठ या फुकताल गोपा के लिए भी ट्रैकिंग की। यह लद्दाख के एकमात्र बौद्ध मठों में से एक है जहाँ अभी भी केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। मालूम हो कि फुकताल मठ एक प्राकृतिक गुफा के चारों ओर बनाया गया है जिसके बारे में माना जाता है कि लगभग 2550 साल पहले कई संतों विद्वानों अनुवादकों और भिक्षुओं ने इसका दौरा किया था। मठ का दूरस्थ स्थान ध्यान करने के लिए शांति और एकांत की तलाश करने वाले भिक्षुओं के लिए आदर्श स्थान है।